उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाहुबली मुन्ना बजरंगी की पत्नी ने झांसी जेल में बंद अपने पति की जान को खतरा बताया। अपने पति का एनकाउंटर किए जाने की आशंका जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार भी लगाई। इस संबंध में सीमा सिंह ने शुक्रवार को लखनऊ के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की। प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की पत्नी ने बताया कि मेरे पति की जान को खतरा है, यूपीएसटीएफ और पुलिस मेरे पति का एनकाउंटर करने की फिराक में है। पत्नी का आरोप है कि झांसी जेल में मुन्ना बजरंगी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। कुछ प्रभावशाली नेता और अफसर मुन्ना की हत्या करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। पत्नी के अनुसार जेल में ही मेरे पति के खाने में जहर देने की कोशिश की गई। सीसीटीवी फुटेज में भी इसकी रिकॉर्डिंग है, जिसमें एक अधिकारी जेल में ही मुन्ना बजरंगी को मारने की बात कह रहा है। सिर्फ पति ही नहीं, मेरे पूरे परिवार पर जान का खतरा है। मेरे भाई की हत्या वर्ष 2016 में कर दी गई, लेकिन पुलिस ने इस मामले में सिर्फ टालमटोल कर केस बंद कर दिया। आरोप लगाया कि पुलिस जांच करने के बजाय पूरे परिवार के लोगों को परेशान कर रही है। मेरे साथ मिलकर ये लोग ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि ऐसा किया जाए, इनके साथ इन्हें आगे न बढ़ने दिया जाए और इनके परिवार को और इनको इनकी हत्या कर दी जाए। मैं आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहूंगी, ये बताइए आप, 2 साल 2.5 साल का दिन हो गया हमारे भाई की हत्या हुए, आज जब उन्होंने पूरी एसडीएम वाले और पुलिस अधीक्षक या पुलिस महोदय या न्यायालय आज तक क्या किया है। कैमरामैन आशीष कुमार के साथ धीरेन्द्र श्रीवास्तव, जनमत न्यूज़।